आज नवाबों के शहर लखनऊ में आप मुस्कुरा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ डूब जरूर सकते हैं। इंद्र देवता लखनऊ पर कुछ इस तरह मेहरबान हैं कि पिछले कई घंटों से वो लगातार बरसते ही चले जा रहे हैं। तेज और लगातार बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-4 दिनों तक लखनऊ में बारिश के रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बारिश पहले से और ज्यादा तेज हो सकती है। वैसे तो लखनऊ वालों को बारिश बेहद पसंद है, लेकिन आज की बारिश ने लोगों को जरा निराश कर दिया है। ऐसा नहीं कि वो डूबे जा रहे हैं या उनके घर डूबे जा रहे हैं, बल्कि लोगों के निराश होने की वजह दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच के कैंसिल होने पर है। जी हाँ, एक तो लखनऊ में बहुत कम ही इंटरनेशनल मैच होते हैं, अब कहीं जाकर हो भी रहे हैं तो उस पर पानी फिरने का गम लखनऊ वालों को सताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल यानी 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं और उन्होंने प्रैक्टिस चालू भी कर दी है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में कल भी भारी बारिश और जोरदार बारिश की पूरी संभावना है। कई जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब मूसलाधार बारिश की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। यही वजह है कि लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी हताश हैं। लखनऊ में जिस तरह की बारिश अभी फिलहाल हो रही है, उससे ऐसा लगता तो नहीं कि बारिश बंद होगी। बंद हो भी गई तो कल फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट का तो फिलहाल यही मानना है। और इतिहास रहा है कि जब जब मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जब भी कोई संभावना जताई है, वो पूरी जरूर हुई है। खैर, लखनऊ वासी जुगाड़ के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जिन्होंने मैच के लिए फ्री पास बनवा लिए हैं, उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिन्होंने भारी भरकम रकम देकर टिकट खरीदे हैं, उनकी सांसें जरूर ऊपर नीचे हो रही होंगी। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे के टिकट रेट्स मिनिमम 1200 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक थे। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते होंगे कि अगर बारिश ने खेल बिगाड़ा तो टिकट खरीदारों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल, बारिश के चलते अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उन क्रिकेट फैंस का क्या जो टिकट खरीद कर मैच देखने पहुंचते हैं और उन्हें सिर्फ बारिश की वजह से ढकी हुई पिच देख कर ही लौटना पड़ता है। लिहाजा एक बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या मैच रद्द होने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं या नहीं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की वेबसाइट के मुताबिक देखें तो अगर मैच उस दिन नहीं हो पाता जिसके लिए टिकट मान्य है, तो टिकट खरीदने वाला टिकट की मूल कीमत की वापसी का दावा करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होता है। इसके अलावा अगर मैच बीच में या शुरू होने के कुछ समय बाद रद्द होता है तो उसके रिफंड के लिए कुछ शर्तें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर खराब मौसम की वजह से 15 ओवर या उससे कम ओवर का गेम होने तक मैच रद्द होने की कंडीशन में पूरा रिफंड मिलता है। वहीं अगर 15.1 ओवर से 29.5 ओवर तक अगर खराब मौसम की वजह से मैच रद्द होता है तो 50% रिफंड मिलता है। और आखिर में अगर किसी मैच में 30 ओवर का गेम खेला जाता है तो किसी तरह का कोई रिफंड नहीं होता। बहरहाल, हम तो पूरी उम्मीद यही करेंगे कि मैच आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा हो, लेकिन इंद्र देवता के एक्शन को देखकर लगता तो नहीं है ऐसा, बल्कि हमारी इस उम्मीद पर पानी फिरेगा इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है। स्पोर्ट्स डेस्क, द भारत TV।